मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ क्या एक्शन कैमरा, वो है डिजिटेक की। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखी है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं, इसका रिव्यू एक्सेट्रा, वीडियो क्वालिटी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज ये बात करने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी एक्शन कैमरा में किसी भी एक्सटर्नल माइक को यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लेंथी बनने वाली है, बिकॉज यहाँ पे मैं सारे इसके डिटेल्स कम्प्लीटली शेयर करने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखें। एंड जो भी परचेसिंग लिंक्स एक्सेट्रा है, उसके लिए आप टेंशन ना लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप मुझे जो है टेलीग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं मोनाओ की जो यूज़ करने वाला हूँ वो एक एक्सटर्नल माइक है, ठीक है, कॉलर माइक है। एंड आप इसे किसी भी एक्शन कैमरा में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना होगा पहले। जैसे कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे पंचिंग होल देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे डायरेक्टली हमारी जो नॉर्मल में हमारे जो वायर्ड हेडफोन्स होती हैं, या फिर कोई भी मैं इस तरह की एक्सटर्नल माइक कहूँ, कि जैसे कि ये जो माइक है ये यहाँ पे आपको नहीं लगेगी। देख सकते हैं ये जो है हमारी जिग जो है वो मोटी हो जा रही है, एंड होल जो है छोटी है, इससे बहुत पतली है, तो वो उसमें इन नहीं हो रही है। कॉज यहाँ पे रीज़न है, अब यहाँ पे अच्छे से समझे। यहाँ पे आपको जो एक्शन कैमरा में जो होल मिल रही है वो 2.5 mm की मिलती है, एंड यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करने जा रहे हैं 3.5 mm की जेक है, तो ये आपका इसके संग कनेक्ट नहीं होने वाला है। एंड इसको आप एक्सटर्नल किसी भी माइक में इस तरह से जिसमें कि 3.5 mm की जेक ना हो, तो उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ एक्शन कैमरा, वो है डिजिटेक की एक्शन कैमरा है। मॉडल नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे DAC001, ये अंडर 6000 रुपीज़ में एक एक्शन कैमरा है, तो यहाँ पे मैं इसे यूज़ किया था। तो देखिए, अब इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहली बात तो पहले यहाँ पे आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके 3.5 mm जेक्स जो कि आपकी एक्सटर्नल माइक है, उसको कन्वर्ट करके आपके 2.5 mm में इसको आपको वो फिट करेगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो आप अगर जेक ले रहे हैं या फिर कन्वर्टर जो है ले रहे हैं, 3.5 mm से लेकर के फीमेल टू मेल में आपको 2.5 mm में जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना ले कि आपका 2.5 से 3 mm में, तो वो आपका फिर से वही घुर फिर के यही आ जाएगा कि ये हो जाएगी पीछे वाली और ये सामने वाली। तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कन्फ्यूज्ड मत होइएगा। ऑब्वियसली हमेशा आपको सर्च करना है जहाँ भी आप इसको परचेस करने जा रहे हैं ऑनलाइन पे, तो 3.5 to 2.5 mm, मैं लिंक नीचे डायरेक्ट दे दे रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है कन्वर्टर का यूज़ करने के बाद जो है आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है मैं यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि देखिए मैंने जो इसको परचेस कर लिया है, एंड जैसे ही ये आती है मेरे पास मैं उसका कम्प्लीटली वीडियो यहाँ पे आपको ला दूंगा। फिलहाल इसके अनबॉक्सिंग एक्सेट्रा सारे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वारीज होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने शेयर की है अभी बैक टू बैक इसके सारे कि लाइक जो इसको यूज़ करके मैं ओवर द बाइक एंड एक्सटर्नल माइक के थ्रू जो है सारे यहाँ पे वीडियोज लाने वाला हूँ, उन सबको देखने के लिए बेल आइकन को मस्ट प्रेस करिएगा। किसी भी टाइप के क्वारीज हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे जो है कुछ गिव अवेज एंड डेली टू डेली शॉपिंग्स के लिए मैं कुछ कूपन प्रोवाइड करता हूं अपने ओवर द टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।